दोस्तों, हम ह्यूमंस ने हिस्ट्री से लेकर अभी तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी ज्यादा जानकारी हासिल कर ली है, और ये सब हुआ है इन स्पेस डिवाइसेस की वजह से जो कि साइंटिस्ट लोगों ने स्पेस में भेजा है ब्रह्मांड की स्टडी करने के लिए। ये डिवाइसेस साइंटिस्ट लोगों की सोच पर एकदम खरे उतरे, चाहे बात हो हबल टेलीस्कोप की या फिर वॉयजर की या फिर चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये ऐसे मैनमेड स्पेस ऑब्जेक्ट हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें स्पेस में खोज निकाली जिसको हमने देखा तो बस हम खुशी से शॉक हो गए। और इसी स्पेस डिवाइस में से एक डिवाइस था ये। दोस्तों, ये एक टेलीस्कोप है, था इसका नाम था अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी, और अंतरिक्ष की स्टडी में इस टेलीस्कोप ने करीब 57 साल हम ह्यूमंस की हेल्प की है। आज हम अंतरिक्ष को इतना अच्छे से अगर जानते हैं तो उसमें इस टेलीस्कोप का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस टेलीस्कोप का साइज देख सकते हो, कितना बड़ा साइज था इसका। एस्ट्रोनॉमी फील्ड में इसको एक ग्रेट ट्रेजर माना जाता था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये टेलीस्कोप कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स होने के बाद बहुत लोग जो स्पेस लवर थे उनको काफी दुख हुआ इस चीज से। नॉट जस्ट साइंटिस्ट बट इवन कॉमन लोग भी इस ह्यूज लॉस की वजह से काफी दुखी हैं। आज इसकी हिस्ट्री और स्पेस फील्ड में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, काफी इंटरेस्टिंग बातें आप जानने वाले हो आप, और आपको ये भी लास्ट में पता चलेगा कि आखिर इतना बड़ा भारी भरकम टेलीस्कोप 57 साल के बाद अचानक टूट कैसे गया। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, अरेसीबो एक्चुअली ये एक जगह है अमेरिका में, और इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्टैब्लिश किया गया था, अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी, यही था वो टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप की खास बात ये थी कि ये अंतरिक्ष में सबसे दूर तक देख सकता था। अंतरिक्ष में चाहे कितनी दूर पर भी कोई सिग्नल क्यों ना डिटेक्ट हो, ये उसको बड़े आसानी से डिटेक्ट कर लेता था। एक्चुअली ये एक रेडियो टेलीस्कोप था जो कि था तो धरती पर ही, बट यूनिवर्स में काफी दूर तक मून्स एंड प्लैनेट की स्टडी करता था। चाहे यूनिवर्स में कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई एक्सोप्लैनेट क्यों ना दिख जाए, कुछ भी इसकी नजर से बच के जा नहीं सकता था, ऐसा पावरफुली इसको डिजाइन किया गया था। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट लोगों ने इसकी हेल्प से मर्क्यूरी के बारे में जाना कि आखिर मर्क्यूरी का रोटेशन रेट क्या है, एंड वीनस के सरफेस के बारे में इसने कई सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट लोगों को दी है। 51 पेगासी बी, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसको एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, और सबसे पहला एक्सोप्लैनेट इसी को ढूंढा गया था, और इसको ढूंढने का श्रेय जाता है अरेसीबो टेलीस्कोप को, इसी ने ढूंढा था इस एक्सोप्लैनेट को। अब अगर आपको एक्सोप्लैनेट का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक्सोप्लैनेट उन्हें कहा जाता है जो किसी सोलार सिस्टम के बाहर होते हैं बट स्टिल उसी सोलार सिस्टम का चक्कर लगाते रहते हैं, बिल्कुल जैसे वन साइडेड लवर होता है। पता उसको भी होता है बंदी मिलने वाली तो है नहीं, फिर भी चक्कर लगाता रहता है। हमारी धरती के लिए कुछ एस्टेरॉइड्स काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट लोग हमेशा चेक करते रहते हैं कि कोई एस्टेरॉइड तो पास नहीं हो रहा हमारी धरती की तरफ से। और ऐसे ही खतरनाक एस्टेरॉइड्स के बारे में ये टेलीस्कोप साइंटिस्ट लोगों को पहले ही आगाह कर देता था। दोस्तों, 1974 में इस टेलीस्कोप की हेल्प से अंतरिक्ष में एक रेडियो मैसेज भेजा गया था, और ये मैसेज M13 नाम के एक ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर की तरफ भेजा गया था। ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर उसे कहा जाता है जहां एक साथ कई सारे स्टार्स हों एंड कोई प्लैनेट ना हो। फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन अ प्लेस इन स्पेस व्हिच इज फिल्ड विद मिलियंस ऑफ स्टार विद नो प्लैनेट्स, एंड दैट रीजन ऑफ द स्पेस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर। और M13 नाम का यही स्टार क्लस्टर था जिसकी तरफ रेडियो मैसेजेस भेजा गया था इस टेलीस्कोप के थ्रू, और ये क्लस्टर धरती से करीब 21,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। अगर आपको लाइट ईयर क्या होता है ये बात पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो के थ्रू आप जाके देख सकते हो कि लाइट ईयर का मतलब क्या होता है। खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जो ये मैसेजेस M3 स्टार क्लस्टर की तरफ भेजा गया था उसमें हमारे ह्यूमन DNA की इंफॉर्मेशन थी, हमारी इवोल्यूशन की थियरीज थी, हमारे सोलार सिस्टम की इंफॉर्मेशन थी, और साइंटिस्ट लोगों का मानना था कि ये मैसेजेस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों को मिल चुका होगा, और ये मैसेजेस को इन साइंटिस्ट लोगों ने डिजाइन किया था। बट ये सब छोड़ो, अपने अरेसीबो टेलीस्कोप पर आते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा टेलीस्कोप खराब कैसे हो गया, और इतना मजबूत टेलीस्कोप टूट कैसे सकता है। वेल, दोस्तों, इसका जवाब है कि इसी अगस्त 2020 में इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अगस्त में इसके कुछ सपोर्ट केबल्स टूट के निकलने लगे थे, और इंजीनियर्स लोगों ने इसका निरीक्षण करने के बाद सोचा कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इसको ठीक करने के लिए। बट 6 नवंबर को इसका मेन केबल टूटने लगा, जिससे लोगों को पता चल गया था कि अब ये बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। बट स्टिल उसके बाद भी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने सोचा कि इसको निकाल के वापस से रिपेयर कर दिया जाएगा। बट भैया, उम्र होती है, चाहे इंसान हो या फिर चाहे मशीन। और 1 दिसंबर को इसने अपने सारे हाथ छोड़ दिए और सीधा जमीन पर आ गिरा। इसका वजन था करीब 900 टन, और इसको रिपेयर करेंगे या फिर इसकी जगह नया टेलीस्कोप लाएंगे वो बात फेडरल गवर्नमेंट जाने, बट इसको रिपेयर करने में करीब $350 मिलियन का खर्च लगेगा। और जब ये टूटा तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन हार्ट वार्मिंग था।
लोगों ने ट्विटर पर यह ट्रेंड करा दिया। यह है एक कपल, इन्होंने इसी टेलीस्कोप के पास अपनी शादी की थी। यह है एक एस्ट्रोनॉमर, इनका नाम है केविन ओर्टेज। इन्होंने भी अपनी कहानी शेयर की कि कैसे मैं जब छोटा था तब सोलार सिस्टम कैसे काम करता है वो सब देखने के लिए यहाँ पर आता था। और ऐसे ही बहुत लोगों ने अपने इमोशंस दुनिया के आगे रखे इसके कोलैप्स होने के बाद। इस टेलीस्कोप को 1963 में बनाया गया था और इसको बनाने में उस वक्त 9.3 मिलियन डॉलर का खर्च लगा था। उस वक्त के 9.3 मिलियन डॉलर आज के 80 मिलियन डॉलर के बराबर होंगे। अब एक बात तो कंफर्म है कि इसको रिपेयर करने में कुछ लोगों का कहना है कि 350 मिलियन डॉलर लगेंगे, और इतना पैसा लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट खर्चा करेगी इस पे। इस टेलीस्कोप का एक और काम था जो कि काफी सराहनीय था। एक्चुअली पहले साइंटिस्ट लोगों का कहना था कि मर्क्यूरी का एक दिन 88 अर्थ डेज का होता है, बट इस टेलीस्कोप ने ये बात क्लियर की एंड देन लोगों को बाद में पता चला कि मर्क्यूरी पर एक दिन 88 डेज का नहीं बल्कि 56 अर्थ डेज का होता है, यानी धरती के 56 दिन इज इक्वल टू 1 डे ऑफ मर्क्यूरी। इस टेलीस्कोप की अचीवमेंट्स एक एक करके तो गिना नहीं सकता क्योंकि एंडलेस कंट्रीब्यूशन रहा इसका अभी तक, बट ये बात आपको बताना मैंने जरूरी समझा ताकि आपको पता चल सके कि स्पेस फील्ड के लिए ये एक ग्रेट लॉस है। बट ये बात भी गारंटीड है कि नासा का एक और बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट बहुत जल्द ही लॉन्च होगा। ये डिवाइस अब तक भेजे गए सब डिवाइसेस में से सबसे एडवांस है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो मैं तो चाहता हूँ वैसे सफल हो, अगर ये सफल हुआ तो इसकी हेल्प से हमें हमारी हिस्ट्री का सच पता चल सकेगा क्योंकि ये बिलियंस ऑफ ईयर पीछे की स्टोरी देख सकेगा। हमारी गैलेक्सी कैसी बनी है, क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में, और हम लोग इस धरती पर कैसे आए, अब ये सब सवाल का जवाब ढूंढने का काम इसका है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसको 2021 में लॉन्च किया जाएगा। ये हिस्ट्री के सारे सवालों का जवाब दे सकता है, हमारे हिस्ट्रीज में जो ग्रेट एपिक्स हुए थे उन सब की हिस्ट्री ये बता सकता है क्योंकि इसको इसी तरह ही डिजाइन किया गया है। सो दोस्तों, आगे के आने वाले 20 साल में अगर साइंस ऐसे ही तरक्की करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान शायद सबसे बड़ा रहस्य का जवाब ढूंढ ले, किसने बनाई है ये सृष्टि, और अगर किसी ने नहीं बनाई तो हम आए कहां से। ये सब क्वेश्चंस के जवाब तो बहुत हैं लेकिन प्रूफ कोई भी नहीं है, एंड साइंस फैक्ट्स पर बात करता है बिलीफ्स पर नहीं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, और भी वीडियोस के लिंक मौजूद है वो देखो एंड नॉलेज शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो, इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।